राधे राधे दोस्तों, चलिए फिर से आज मैं एक आम की अचार की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। और आप लोग भी कहेंगे कि हम केवल आम का अचार ही बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सीजन है आम का, तो इसीलिए इस सीजन में हम आम का अचार ज़्यादा बनाते हैं और इसे हमारे घर में ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम 1 किलो आम ले लिए हैं और इसे हम छील लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अचार इतना टेस्टी लगता है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार पर बनाना पसंद करेंगे। इसे हमें ज़्यादा दिन खाने का वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये तुरंत डालिए और तुरंत एक दिन में ही इसे खाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाता है। और जो हम उस तरह से कट करके अचार बनाते हैं वो थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, हम सारे आम को छील लिए हैं। अब हम ले लेंगे एक ग्रेटर। तो ये जो मोटा वाला ग्रेटर है, इसी से हम इसे ग्रेट करेंगे। तो आम को हम सारे ग्रेट कर लेते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको आम के अचार बनाने की पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, हम आम को ग्रेट कर रहे हैं और इसी तरीके से हम सारे आम को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे लग रहे हैं, लच्छेदार आम। और ये जब अचार बनता है तो बहुत ही अच्छा बनता है और सारा एकदम मिक्स हो जाता है इसमें मसाला, और इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो चलिए, अब हम ये सारा आम को ग्रेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसे हम 2 से 3 घंटे तक धूप में रख देंगे ताकि इसका जो भी पानी है वो सूख जाए अच्छे से। पानी इसमें पूरा तो नहीं सूखता है, पर थोड़ा ये सूख जाता है और इसे हम धूप में रख देते हैं तो अचार हमारा अच्छा बनता है। इसे आप साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम आम को 4 से 5 घंटे तक धूप में छोड़ दिए थे। धूप बहुत तेज भी निकल रही है आजकल, और ये देखिए इसका पानी जो था वो थोड़ा सूख गया है। अब हम इसमें मसाला मिलाएंगे। तो मसाला तो हम जैसे नॉर्मली आम के अचार में डालते हैं, बस वही मसाला हम इसमें मिलाने वाले हैं और ये अचार बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम डालते हैं मसाला। यहाँ पे हम सरसों ले लिए हैं पिसा हुआ, ये काली सरसों है। 3 चम्मच सरसों डाले हैं और ये पंचफोरन डाल दिए हैं। हम पंचफोरन को बिना भुने ही डालते हैं। अजवाइन डाल दिए हैं 1 चम्मच, और ये थोड़ा सा मंगरैल है, इसे हम थोड़ा सा ही लिए हैं क्योंकि ये पंचफोरन में भी होता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तो इसकी क्वांटिटी आप अपने अनुसार रखिए, जितना तीखा आपको पसंद है। तो यहाँ पे हम देखिए 2.5 चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च डाले हैं, और इससे कलर भी अच्छा आता है। ये मार्केट का ही है, अगर आप घर का ही भी मिर्च रखे हैं वो भी डाल सकते हैं। हल्दी डाल दिए हैं 1 चम्मच, और 3 चम्मच हम नमक डाल दिए हैं। आम का अचार है, इसमें नमक थोड़ा अधिक जाता है। और थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल दिए हैं। बस इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसमें हम कोई भी मसाला रोस्ट नहीं किए हैं, बस हम ऐसे ही बनाए हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। अगर इस तरीके से आप अचार बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएंगे। हम सारे मसालों को मिक्स कर लिए हैं, तो ये देख सकते हैं आप इस अचार का कलर कितना बढ़िया आया है। और चलिए, अभी हम एक चीज और इसमें डालेंगे, तो ये है लहसुन। तो लहसुन को हम छील लिए हैं और इसको भी हम इसमें मिला देंगे। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने से ये, जैसे कि हम सिरका अचार में डालते हैं, तो उसकी जगह थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं। अचार इससे खराब नहीं होता है। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करके एक जार में भर देते हैं। तो हमारा अचार कितना जल्दी बन गया आप देख सकते हैं। कोई भी इसमें मेहनत नहीं, सभी इसको बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं। जो आप मार्केट से अचार लाते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा ही बेहतर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए आम का अचार बन करके रेडी हो गया है। इसे आप भी बनाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एक छोटी सी लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। चलिए, अब हम अचार को रख देते हैं धूप में 1-2 दिन के लिए ताकि अच्छे से पक जाए। वीडियो में एंड तक बने रहें उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।